Hello and welcome to my channel, guys. Thank you so much for watching the videos. Those who have not subscribed to the channel, quickly do that because I am going to update you with the September IELTS exam. कैसा हो सकता है लेवल आयल्स का और विद प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे. आपको पता है कि हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो हमेशा से सक्सेसफुल रही हैं. सो विद प्रूफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे वही सेम अब वैसे ही टास्क जो है वो रिपीट हो रहे हैं. एंड द प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. ये हमारे पास फर्स्ट इमेज है. दिस इज अबाउट सेप्टेम्बर 2021. उसमें बार चार्ट आया था एंड दिस क्वेश्चन came in IELTS exam which already we have seen this time also. Balance between the work and lives and what are the problems and how to overcome this problem. So this kind of question has already repeated. ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. अगर हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग स्लॉट की तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ. उसमें हमारे पास जो कोरल रीफ है या फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और मॉडरेट लेवल जो रहा है वैसा का वैसा ही टास्क अभी हमें देखने को मिला. और डिस्कवरी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं. और अगर हम बात करें राइटिंग टास्क की तो राइटिंग टास्क में हमारे पास था पाई चार्ट, टेबल चार्ट. और टेबल चार्ट के साथ हमारे पास था जो राइटिंग टास्क टू दैट वॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम ऑन कंप्यूटर गेम्स. सो आपको भी यही कैसे क्वेश्चन ही करके जाने हैं क्योंकि रिपीट हो रहे हैं राइटिंग टास्क. इसलिए बेटर होगा कि आप वही सेम करके जाएं. अगर हम बात करें 25 सितंबर की तो उसमें था हमारे पास एक चार्ट, दैट वाज अ पिक्चर चार्ट, एक डायग्राम था और राइटिंग टास्क टू रेडियो से रिलेटेड था. और अगर हम बात करें 16 सितंबर की तो दैट वाज अ पाई चार्ट और यही सेम क्वेश्चन देख लीजिए रिपीट हो रहे हैं. तो आपको भी वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो सेम करके जाने हैं. आपके सामने प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल है. आईएलटीएस एग्जाम अगर 11 सितंबर की बात करें तो टेबल चार्ट था और पीयर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो अभी लेटेस्ट आ चुका है और ये हमने प्रिडिक्शन में भी दिया है. सो टास्क जो है वो सेम ही है, बस थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज होता है, रेस्ट इज द सेम. अगर हम बात करें रीडिंग पैसेज की तो ये इस तरह के रीडिंग पैसेजेस थे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और ये हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है. इसके आपको टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आप वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. 11 सितंबर में सुबह आया था टेबल चार्ट और साथ में इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी बार बार आ चुका है और ये आता ही है टास्क में. तो इसलिए बेटर होगा गाइस कि आप सारे के सारे आपका जो अभी लेटेस्ट जो आने वाला है सितंबर का न्यू जो है वो तो करना ही है, लेकिन रिपीटेड राइटिंग टास्क जो है वो आपको जरूर करके जाने हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. आज आपको रिव्यू देखने को मिलेगा जल्दी से जल्दी, इसलिए इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. बेल बटन को हिट कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिलती रहे. ऑल द बेस्ट.